you want to change the handlebar, the left side handlebar of R15 V3 VS6. As you can see, this part is a bit bent because I've recently met with a crash. So let's see if we get the parts. Darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night. So, talking about the crash, recently I was going to take my RC bike and then I was like cruising at 70-80 on the highway and अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक स्कूटी वाला छपड़ी काइंड ऑफ गाय आया एंड ही जस्ट बैंग्ड इनटू माय बाइक. होपफुली आई वाज वेयरिंग ऑल माय गियर्स, सो मुझे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं लाइक, और बाइक को भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आई डोंट नो हाउ. बस फेयरिंग में थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, मैंने उस पर अभी स्टिकर लगाया है, आई विल चेंज द फेयरिंग लेटर ऑन. हैंडल बार उतना भी बेंट हुआ नहीं है, लाइक नोटिसेबल नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा है. संडे एक ग्रुप राइड है तो कोई रिस्क नहीं लेना मुझे, मैं चेंज ही करा लूँगा, क्योंकि द प्राइस ऑफ द यू नो द हैंडल बार इज़ नॉट दैट मच, इट्स लाइक 530, तो उतना तो अफोर्डेबल है, करा ही सकते हैं. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सर्विस सेंटर जाके वहाँ से लगवाने वाला हूँ, बट नो दैट्स नॉट द केस, क्योंकि मैंने नियर बाई जितने भी वर्कशॉप है वहाँ पे कॉल किया था एंड देयर सेम की पार्ट्स अवेलेबल नहीं है. तो कोलकाता में लाइक दिल्ली में जैसे करोल बाग है, वैसे कोलकाता में वेलिंगटन है एंड लाइक वहाँ पे सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट मिलते हैं एंड वहाँ एक ऑथराइज डीलर है, तो आई होप वहाँ मिल जाए यार. Darling, if I had bought you flowers, what if you stayed at home the night? Yeah, I've been lonely counting hours while I'm getting blinded by the light. देखो, हैंडल बार तो मिला नहीं, बट मैंने जो बेंट हैंडल था अभी टेम्परेली उसी को सीधा करवा लिया. बोल रहे हैं कि अभी स्टॉक में है ही नहीं हैंडल, तो क्या करें भाई, तब जुगाड़ लगा के बस स्ट्रेट करा लिया फिलहाल और थोड़े बहुत स्टिकरिंग के काम कराए हैं. Alright guys, so that's all for today's vlog and I'll see you in the next one. Till then, take care, ride safe, bye bye.